नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए मंत्री कंवर पाल जी ने आदेश दिया था कि छुट्टियां जो हैं, छोटे बच्चों की छुट्टियां 27 तारीख तक बढ़ा दी जाएं। और अभी फरीदाबाद में काफी स्कूल्स ऐसे हैं जो सरकार के आदेशों को धत्ता बताकर स्कूलों को खोल रखा है, छोटे बच्चों के स्कूलों को खोल रखा है। कुछ ऐसी कॉल्स हमारे पास आई थी स्कूलों को लेकर कि छोटे बच्चों के स्कूलों को खोल रखा है। फिलहाल हम खड़े हैं किड्स कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल पर और आज ये स्कूल ओपन है और आप देख सकते हैं प्री नर्सरी टू फिफ्थ क्लास हर स्कूल खुला है। सर हमारे स्कूल फिफ्थ तक का स्कूल नहीं खुला है। मैम आज हमारे पता लगा है ना, आज मैसेज आया ना सर, आज मैसेज आया, आज हमने खोले और आपके पास मैसेज आ जाए। नहीं नहीं मैसेज तो मैडम कल आ गया था और स्कूल नहीं नहीं आज से स्कूल बंद है सर। आज से बंद है ना, तो और स्कूल भी तो बंद है ना। बंद है सर, बड़े क्लास के आए हैं। आप इंचार्ज को एक बार बुला देंगे बात करने के लिए? नहीं नहीं हम तो सर और स्कूल छुट्टी है या नहीं, स्कूल तो पता है सर, पांचवी तक बंद है ना, तो हमारा स्कूल बंद है पांचवी तक। मैडम अंदर बच्चे बैठे हैं? बच्चे नहीं बैठे हैं। मैम क्या बात कर रहे हो, मैडम बच्चे बैठे हुए हैं? और आप देख सकते हैं स्कूल में फिलहाल कहा जा रहा है अंदर बच्चे नहीं है, जबकि इस स्कूल में अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। और स्पेशली ये जो स्कूल है, ये स्कूल प्री नर्सरी से फिफ्थ क्लास तक है। आप देख सकते हैं स्कूल किड्स कॉन्वेंट प्री नर्सरी टू फिफ्थ क्लास है। और आपने सुना ही कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आज इन्फॉर्मेशन मिली, आज के लिए खुला हुआ है स्कूल। बाकी हमने अंदर भी जाकर बात करने की कोशिश करी स्टाफ से, तो कहा गया कि डीओ ऑफिस में हम लोग बात कर लेंगे और खुला है स्कूल। पेरेंट्स का प्रेशर बनता है हमारे ऊपर कि स्कूल खोला जाए, पेरेंट्स हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि स्कूल खोला जाए। और ऐसी कड़कती ठंड में जब सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि छोटे बच्चों की, खासकर फिफ्थ क्लास तक के बच्चों की छुट्टी कर दी जाए, उस समय में भी कुछ स्कूल सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए लगातार छोटे बच्चों की क्लासेस चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आदेश हैं, आप मौसम देख सकते हैं कितना ठंड का मौसम है, और ये आदेश इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं इस ठंड के मौसम में बाहर ना निकलें और तबीयत खराब ना हो। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है या कुछ दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी के चलते कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकार ने आदेश दिए हैं और कल ही ये आदेश आ गए थे। और ज्यादातर स्कूल आज बंद है, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और छोटे बच्चों को बुलाया जा रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।